व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंटर रिएक्शन। भाई हम ससुराल आए हुए हैं, मतलब इसके ससुराल आए हूं, और इसने बार बताएगा, हर वीडियो में बताएगा क्या? पहली वीडियो में बता रहा हूं, मुझे पता है आगे भी तो रिपीट टेलीकास्ट करेगा। हां भाई, मैं इसे जबरदस्ती लाई हूं, शुरू कर अब मुद्दे पे। तो आज हम देखने वाले हैं लियो मूवी का ग्लिम्स ऑफ एंटनी दास। तो इसके अंदर संजय दत्त होने वाले हैं और तलपति विजय की मूवी है, और जब हमने ग्लिम्स ऑलरेडी देखा हुआ है वो भी बहुत गजब था, गाने आए हैं वो गजब रहा है ना रेड्डी। तो अभी देखते हैं ग्लिम्स में क्या कुछ देखने को मिलता है, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। आपको कैसा लगा ये भी आप लोग जरूर बताना। और इनके बर्थडे पे, कल बर्थडे था संजय दत्त का, क्या कहते हैं बाबा, कहते ना संजू बाबा, कहते ना 1 2 3 गो। एंटनी खतरनाक बीजीएम और भैया ये जो सिगरेट लगाई, ये जो लास्ट में देखा था, ये क्या किया था, सिगरेट उठाई थी, सिगरेट जला के और फिर कॉल लगाया था। ये आके हैप्पी बर्थडे लिखाया था, सिगरेट लगा रखे, उसके बाद भैया सिगरेट नहीं बुझनी चाहिए पहले। तो एक चीज है कि मतलब जो बीजीएम होता है ना, वो अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक है यार, और अनिरुद्ध की तो मतलब यार तारीफ करते करते थक जाते हैं हम, इतना नेक्स्ट लेवल बीजीएम रहता है। और अगर एज अ विलन लिया गया संजय दत्त को तो कोई डाउट ही नहीं होगी कैपेबिलिटीज में। आपने अधीरा का रोल देखा ही था और उसमें मांडवा वाला जो एक प्ले किया था ना, नेक्स्ट लेवल जिसे कहते हैं, नेक्स्ट लेवल, आप एक कैरेक्टर को निचोड़ के पी जाते हो, वो देखा हमने संजय दत्त में। और खासकर आज के टाइम में जो विलन रोल सूट भी करते हैं इनकी पर्सनैलिटी पे, एक दबंग पर्सनैलिटी। और हमेशा कहते हैं कि मूवी में जो विलन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो वाला वो चला गया, मतलब लगना चाहिए हीरो के बराबर वाला, टक्कर के कि हाँ भाई विलन भी एकदम टक्कर कर। भाई सच में बीजीएम बहुत गजब था, और जो जो ऐसा साइड से निकल के आया ना फेस, था गजब था। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू, जरूर बताइएगा। बाकी मैं बहुत एक्साइटेड उस मूवी का, जब ट्रेलर आएगा तो बवाल मचाने वाले, क्योंकि अभी तक कुछ भी ना कहानी से रिलेटेड कुछ भी खुलासा हुआ नहीं उस तरीके से। बाकी लेकिन एक चीज है, तलपति विजय की मूवी का पोस्टर ही आ जाए ना, वहीं से बवाल शुरू हो जाता है। इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी ना वीडियो, उसमें जो एंट्री सीन देखे थे, लुक वाइज कितना, वो तो होता है भैया। तू अपनी शक्ल देख ले, तू बचपन में कैसी थी? मैं बचपन में भी क्यूट थी। ओ भाई रहन दे, मैं दिखाऊंगा इस दिन तुम बोलना क्यूट थी या कूटा थी। मिलते हैं आपसे कभी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।